इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी बहुत ज़्यादा मेंबर्स मैसेज कर रहे थे कि स्पोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएं स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए ये वीडियो उनके लिए है वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको बेस्त तरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले आपने क्या करना है वीडियो को एंड तक देखेंगे सब कुछ समझ लग जाएगा अब देखें आपको मैं स्टेप बाई स्टेप जाता हूँ आपने कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है टाइम फ्रेम कौन सा आपने यूज़ करना है टेक प्रॉफिट कहाँ पर लेना है स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है सारा का सारा और इंडिकेटर कौन से यूज़ करना है इंडिकेटर जो है वो सारे के सारे फ्री इंडिकेटर्स हैं ईजी इंडिकेटर है बैनॉफ से भी, भी कर सकते हैं वो पॉइन पर भी आप कर सकते हैं ओके एक्स पर भी कर सकते हैं जो जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उन पर जाकर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटी आप अप्लाई कर सकते हैं मेन जो पहला स्टेप है हाउ टू फाइंड क्वाइ क्वाइन कैसे फाइंड करना है लेटेस्ट वीडियो मेरे चले जाएँगे यूट्यूब चैनल पर जाएँगे लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर देखें एडवांस मेथड फॉर फाइंडिंग कॉइन फ्यूचर रेडिंग फ्यूचर रीडिंग यानी किसम आप स्पोर्ट रीडिंग वाले भी कॉइन भी फाइन कर सकते हैं और इससे पहले मैंने बेसिक मैथड बनाई थी बेसिक वाली ये देखें ये बेसिक मैथड था अगर आपने ये देखें अगर आप, देखे, आप बेसिक यूज़ करना है चाहें बेसिक यूज़ कर सकते हैं एडवांस यूज़ करना है चाहें तो एडवांस भी यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट टाइम फ्रेम पार्ट ट्रेडिंग बेस्ट टाइम फ्रेम भी आपको पहले बताए हुआ है ये तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और इस वीडियो में भी आपको हिंट दे दूँगा कि आपने किस तरह क्वाइंस सेलेक्ट करना है और किस तरह टाइम कि फ्रेम यूज़ करना है सारा कुछ इस वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा आपको देखें सबसे पहले आपका स्टेप वन है हाउ टू फाइंड पॉइंट पॉइंट कैसे फाइंड करना है ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे ठीक है वो ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे आप आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है ये आपको बस डेस्क टॉप पर वर्क करेगा अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं मोबाइल या आपके पास है तो आप अगर इन क्रोम पर जाएंगे डेस्क टॉप ऑप्शन ओपन कर लेंगे ठीक है अगर आपको डेस्क टॉप ऑप्शन ओपन करना नहीं आता तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे हाउ टू ओपन डेस्क टॉप ऑप्शन इन मोबाइल और क्रोम तो वो आपके पास इजिली एक वीडियो आ जाएगी वीडियो देखेंगे डेस्क टॉप वर्जन जो है ट्रेडिंग व्यू का क्रोम आप ओपन कर लेंगे यहाँ पर वर्क कर जाएगा अब सबसे पहले आपने यह करना है यहाँ पे थ्री लाइव से नजर आ रहे हैं ये देखें टॉप कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में आपको नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोडक्ट्स में आ जाना है जैसे मैंने अपनी एडमॉसफेयरिक वीडियो में बताया था स्क्रीनर्स में आ जाना है स्क्रीनर्स के बाद आपने क्या कहना है क्रिप्टो कोयन में आ जाना है क्रिप्टो कॉइन्स में आ जाएंगे आपके आप गया आप पास जो है क्रिप्टो स्क्रीनर यानी कि स्क्रीन आपको फ़िल्टर करके दे दीजिएगा ये वाली जो कॉइन है इस पर जाकर आप स्कैल्पिंग करें ठीक है अब देखिए इससे इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी क्या है और इंडिकेटर कौन से यूज़ करना है वो पता चल जाएंगे इंडिकेटर पता चल जाएगा फिर आप यहाँ पर आपके कॉइन फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं अब देखें अगर आपको स्ट्रैटी पता करनी है या अगर आपको क्वाइन नहीं बताए जाते कि क्वाइन कौन से हैं स्कैल्पिंग के लिए तो हमारे यूट्यूब बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको ये डेली के पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और स्पोर्ट के फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं फ्यूचर की अपडेट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है मार्केट अपडेट प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब ये देखिए यहाँ पे डोडो प्रोवाइड किया जाता जिसके आर टी हो गए थे अभी देखिए ये ये फ्यूचर ट्रेड है पी में दी गई थी एम टी इसके बीच और टी पी हो गया आप देखिए बाकी और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं स्कैल्पिंग के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं उन पर और अपनी जो डेली की स्कैल्पिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती है अगर आपने ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखें स्ट्रेटजी पे आते हैं स्ट्रेटजी में देखें यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे इसको लॉन्ग किया यानी कि बाय किया फाइव का प्रॉफिट यहाँ पे टू का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट तो फाइव का प्रॉफिट थ्री का प्रॉफिट और यहाँ पे टू पॉइंट वन परसेंट का प्रॉफिट और यहाँ पे भी एक ट्रेड बनी थी यानी इसमें अगर हम दोनों रूल्स यूज एक दोनों में से एक रूल यूज़ करेंगे तब इसमें प्रॉफिट बन सकती है लेकिन आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटी जो वो यूज़ करनी है जिसमें दोनों के दोनों रूल्स हमारे अप्लाई हो रहे हो ठीक है अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर कौन से हैं इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है और इजी इंडिकेटर है आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे इंडिकेटर के और आप वो बैना से भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली आप इंडिकेटर के सेक्शन में आ जाना है सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च करना है स्टोकेस्टिक आर ठीक है स्टोकेस्टिक लिखेंगे आप बस एस टी ओ सी एच ई एस टी आई स्टोकेस्टिक आर एस आई ठीक है स्टोकेस्टिक अकेला नहीं आप नहीं यूज़ करना स्टोकेस्टिक आर एस आई ठीक है ये क्लिक कर देना है फिर जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है आर एस आई वो है आपने कर, सेलेक्ट करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आर एस आई स्ट्रेटी वगैरह ये नहीं सेलेक्ट करना है आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सेलेक्ट करनी है वन पर क्लिक कर देंगे ये भी आपके पास एक्टिव हो जाएगा थोड़ी सी सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर देंगे आपके पास बेहतरीन सिस्टम बन जाएगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी अब मेरे पास एफ टी एम कोइन ओपन है एफ टी एम कोइन या कोई भी कोइन इसमें यूज़ करें जो आपको फिल्टर करके जो मैंने आपको आप बता दूंगा आप कैसे आपने क्वानिफाइन करना है वो देख लेंगे सब कुछ समय लग जाएगा अब स्टेस्टिक आर एस आई को ऐसे रहने देना है कोई चेंजिंग नहीं करनी आर एस आई पे जाना है अभी मैं पर वर्क कर रहा था और तो गफ़ मेबर मुझे वैसे ही कर रहे थे कि स्पोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटी ले करें ले हैं मैं पर वर्क कर रहा था इसको टेस्ट कर, कर, इस कर रहा था कैसे वर्क करती है सेटिंग में जाएंगे आर एस आई में आर एस आई में डालने नहीं, four. आपने इनपोट्स में डाल देना है फोर फोर्टीन की जगह लिखना है आपने फोर सिंपल और स्टाइल में से अगर आप एम ए मूव करना चाहें ये वाला जो आर एस आई बेस्ड एम ए है इसे मूव करना चाहें देन वेल एंड बोर्ड बाकी जो है आर एस आई जो अपर बैंड है वो सेवनटी रहने दें मिडिल है फिफ्टी रहने दें थर्टी रहने दें सारा का सारा वैसे ही रहने देना है आपने ओके okay पे क्लिक कर देंगे ओके okay पे क्लिक करके आपके पास ये एक्टिव हो गया अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने बाय कैसे करना है ठीक है यहाँ पर स्पोर्ट रेड स्टेट जी है ना तो आपने बाय ही करना है ना अब देखें जो आर एस है स्टोकेस्टिक आर एस है दोनों आप बस एक्टिव होंगे आप देख रहे हैं क्वाइन सिलेक्ट कर लिया है, जो आपको बता दिया है ये आप देखें अब हम जाते हैं कॉइन का सिलेक्ट करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप, आप वही ट्रेडिंग ग्रुप जाएंगे ट्रेडिंग ग्रुप जाके वहाँ पर क्रिप्टो स्किनर्स ओपन करेंगे क्रिप्टो स्ग्नर्स का क्रिप्टो पेयर्स नहीं ओपन करना क्रिप्टो पॉइंट्स वाला ओपन करना है ठीक है जैसे मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में भी आपको बताया था एडवांस मैथड वाले में भी आपको बताया था अब यहाँ पे आपने रैंक सेलेक्ट कर लेना है यानी कि आपको बस कोइन कौन सेलेक्ट होने नजर आनी चाहिए यानी कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि 200 हंड्रेड होने पाई होने चाहिए या कस्टमाइज़ कर लेता हूँ मैं ठीक है अब मैं ज़ीरो से लेकर मैं क्या लेता हूँ थ्री हंड्रेड कर लेता हूँ ठीक है यानी कि टॉप जो थ्री हंड्रेड वाले जो कॉइन है वो मेरे पास शो है ठीक है ये मेरा एक फ़िल्टर लग गया दूसरा मैं यहाँ पर एड फिल्टर करूँगा एड फिल्टर करूँगा आप यहाँ पर आप दूसरे भी यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं अगर आप वीडियो पे चले जाएंगे आपको एडवांस मेथड वाली इसमें आपको आपको सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं अब ऐड फिल्टर पे जाएंगे ऐड फिल्टर पे जाएंगे यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अपना ऐड फिल्टर लगाना है आपने क्या करना है आर एस आई स्टोकैसिक आर एस आई आ गया ट्रेड स्ट्रेंथ भी आ गया आपने क्या करना है अब स्टोकेस्ट आर एस आई सिलेक्ट कर लेना है इनमें से एक सेलेक्ट कर लें जो सेलेक्ट करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है अब ये जैसे डिफॉल्ट होगा ठीक है से दोबारा आप वन बार क्लिक कर देंगे ये आप बस एक्टिव हो जाएगा आपने क्या करना है यहाँ पे देखना है ट्वेंटी और बिलो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या ट्वेंटी और बिलो यहाँ पे हम हमने क्या करना है कस्टमाइज़ करना है कस्टमाइज़ करेंगे यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे टाइम फ्रेम जो हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करने वाले हैं तो वो वन आवर और थर्टी मिनट टाइम फ्रेम है स्टेपिंग के लिए यूज़ करेंगे स्टेल्पिंग और बेड रीडिंग के लिए वन आवर और थर्टी मिनट यानी कि जो भी आप ट्रेड लेंगे अगर मार्केट सही होगी तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर आपकी वो टारगेट हिट कर देगा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको वन आवर टाइम फ्रेम और थर्टी मिनट का टाइम फ्रेम स्टेप सेटेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वन आवर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ठीक है बाकी सारा अबाव एंड इक्वल हम क्या करेंगे अबाव एंड इक्वल नहीं करेंगे बिलो एंड इक्वल करेंगे क्यों क्योंकि तो हमने नीचे जाना है नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमें बेस्ट रहेगी मैं क्या कर रहा हूँ थर्टी थर्टी पे क्लिक कर दूंगा वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू है ठीक है वन आवर टाइम फ्रेम है स्टेस्टिक आर एस आई इसकी जो सेटिंग है वो ऐसी रहने देनी है अपने डिफॉल्ट सेटिंग रहने देनी है वन आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे किस ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और बिलो एंड इक्वल बिलो होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए थर्टी के ठीक है इसे क्लिक कर देंगे ये आपके पास कॉइन फिल्टर करके दे देगा कि ये वाले जो कॉइन है इनकी जो आर एस आई है स्टेस्टिक आर एस आई है वो है इससे नीचे ठीक है अब मैं आपको लाइव एक पॉइंट बता दूंगा कि फिर हम देखेंगे क्या वो, क्या वो टी पी एक्ट होता है या नहीं अब देखें प्रोन शिप ठीक है ये इसकी वैल्यू है वन आवर टाइम फ्रेम पे थर्टी से नीचे है उसको जाके देखेंगे क्या वो वर्क करेगा नहीं करेगा आपने खुद पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ना यहाँ पे फिर उन्हीं पॉइंट्स पर जाकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा आपने अप्लाई करनी है ए पी टी वेट पॉइंट बी एम के आर सारे के सारे एस टी एफ एम एक्स ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए ठीक है इन पॉइंट पे जाके अपने अपने रिंक अप्लाई कर लेंगे आप कि और फिल्टर भी लगा सकते हैं ठीक है जो बेस्ट रहेगा मैं दोनों के दोनों फ़िल्टर आपको कहूँगा कि आप यूज़ करें ठीक है यहाँ पर क्या करना है आर एस आई ठीक है चूँकि स्ट्रेटी हमारी वही है आर एस आई आर एस आई आ गया आर एस आई पे दोबारा क्या करेंगे दोबारा इसकी कस्टमाइज़ पे करेंगे ठीक है कस्टम पे करेंगे क्लिक कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे आर एस आई हमारी क्या थी सेटिंग थी ठीक है यहाँ थी तो हम इसको क्या कर रहे हैं थ्री कर रहे हैं क्योंकि इसके राउंड अबाउट आ रही है क्योंकि हम उसको फिर पॉइंट के चार्ट जाकर देखेंगे हमें सर सारा कुछ समझ लग जाएगा यार इसमें बाय बन रहा है या नहीं बन रहा वन आवर टाइम फ्रेम जैसे आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया आपको क्या चाहिए बिलो एंड इक्वल बिलो एंड एकवल सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थर्टी यहाँ पर क्लिक कर देंगे ये आपको फिल्टर करके दे देगा पॉइंट ऐसे फिर ये देखकर आपने ऐसे ही उनमें ट्रेड नहीं ले लेनी आपके पास सारा का सारा कुछ बन कर आ गया है कि ये स्टैनर जो एक्सएल एम ये बन रहा है इसमें बाय बन रहा है आपने फिर जाकर चार्ट पे देखना है चार्ट पे देखना है और ऐसे ही नहीं पहले ही दिन से आपने ट्रेड्स नहीं लेनी आपने देखना है अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को अभी मैंने एफ टी एम ओपन किया है एफ टी एम यहाँ पर भी आ गया ठीक है एफ़ टी एम अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी बन रहा है इसमें बाय का सिग्नल बन रहा है अब आपने ऐसे ही नहीं आपने पहले डेमो ट्रेड करनी है पेपर ट्रेडिंग करनी है फिर जाके प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं जो मिनिमम आपको रिकमेंड करता हूँ आपने टू वीक्स की प्रैक्टिस करनी है और डेली का ट्वेंटी प्लस पॉइंट्स देखने हैं और स्ट्रेटजी को वर्क करेंगे ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी स्ट्रेटजी देखेंगे ये नहीं कि ये वीडियो देख ली किसी और की वीडियो देख ली फिर और वीडियो देख ली और देख ली ऐसे आपका जो दिमाग है वो तो काम नहीं करेगा ठीक है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे चीज़ों में एक ही स्ट्रेटजी पकड़ें उस पर वर्क करें प्रॉफिट बनाएं बाहर आ जाएँ बस ये चीज़ें होती हैं मैंने पहले वीडियोज़ बनाई कि किस तरह आपने ये ट्रेडिंग को अब यानी कि जो स्ट्रेटजी है उसको मस्ट करना है वो सारी की सारी बता दी है अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप जो है वो स्टेप स्टेप समझा रहा हूँ आपको ठीक है स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ तो ये देखें पहला पॉइंट आपका पहला जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो गया है आपने कॉइन कैसे सेलेक्ट करना है कॉइन सेलेक्ट हो गया आप नेक्स्ट आपने जा जाना है ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग व्यू पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आर एस आई और स्टेटेस्टिक आर एस आई आर एस आई को फोर कर देना है स्टोकेस्टिक आर एस आई को वैसे ही रहने देना है अब आते हैं हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखें बाय बाए करना है ये थर्टी को जब टच कर रहा हो ठीक है थर्टी यानी कि ये हमारा बिलो है अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो थी आ, ये यहाँ पे जो है हमने क्या किया हुआ था अब स्टेस्टिक आर एस आई यहाँ पर पोन्टी दिखाता है जो आर एस आई है वो थर्टी दिखाता है यहाँ पे भी अब अब देखें यहाँ पर बिलो लेवल जी, इसका भी थर्टी है अब यहाँ पर आपने क्या करना है ये जो नीचे वाले लेवल को टच कर रही ना और आर एस आई भी टच कर रहा हो स्टोकेस्टिक आर एस आई भी टच कर रहा हो और आर एस आई भी टच कर रहा हो वैसे भी आपने पॉइंट जो फ़िल्टर कर करके आप लेकर आए हैं जो कोइन वो तो वही बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जो अमेर आपने वही सेलेक्ट किया है ना आर एस आई में मुझे बताओ के पे 30 के कि बना आवर टाइम फ्रेम पर आर एस आई की थर्टी की लेवल किसके नीचे है यानी कि थर्टी से नीचे जो लेवल वाले कोइन है मुझे निकाल कर दो निकाल कर दिए दिए उसने यहाँ पर भी आपको निकाल कर दे दिए अगर आपके पास प्रो वर्जन है तब आलमोस्ट आई थिंक मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था तो शायद वन आवर वर्क ना करें तो फिर आपने वन डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है फिर आप वन डे टाइम फ्रेम पे जाकर देखें आर एस आई थर्टी से नीचे जो है फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है ठीक है फिर आप वन डे टाइम फ्रेम वाला भी अपना फ़िल्टर बना सकते हैं वीडियो जाके देख लेंगे आपको दस मिनट जाएंगे लेकिन आपको सब कुछ समझ लग जाएगा अब यहाँ पर सेलेक्ट हो गया ये देखें यहाँ पर आर जो है आर एस फोर जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे यू रेड थोड़ा सा बन जाता है ना फिर आंख बंद करके आपने बाय करना होता है यानी कि ये यह देखें यहाँ से थोड़ा सा रेड से बने हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा रेड से बनाए हैं और ये जो ग्रीन बन रहा तो है यानी कि यानी कि ये बन रहा है यहाँ पर ओवर बोट हो गया ओवर बोट हो गया तो यार नीचे आएगी प्राइस ओवर बोट हो गया तो नीचे ही आएगी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे आई है और यहाँ पर देखें यहाँ पर बन गया ये बेरेज डिवर्स बन गया फिर दोबारा मार गई बेरेज डिवर्स यहाँ पर जाकर वर्क किया ये सारे की सारी की चीज़ें वर्क कर रही हैं आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ देखना है ये वाला जो लेवल है इनके नीचे जब प्राइस आ रही हो पॉइंट तो फिल्टर करके आप बैठे हैं पहले ही वही तो फिल्टर आपको दिखाएगा फिर आपने देखना है चार्ट पे आकर देखना है पहले आपने जो है डेमो ट्रेड्स करनी है पेपर ट्रेडिंग करनी है देखना है वर्क करना है ये स्ट्रैटी वर्क करती या नहीं करती फिर जाके अपनी रियल मनी से जाके लो अमाउंट तो स्टार्ट करना है फिर अमाउंट तो इंक्रीज करते जाना है ये ऐसे ही करना है आपने यहाँ पर बाय सिक्स का प्रॉफिट ठीक है फिर दोबारा यहाँ पे देखें अगर स्टेटेस्टिक आर एस आई जो है इसने बाय का सिग्नल दिया है लेकिन आर एस आई जो थोड़ा सा इसमें देखें थर्टी फोर फाइव ऐसी ही है इसको आप इग्नोर करना चाहिए इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इसमें इसने वर्क तो कर लिया यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर देखें आप ये स्टेस्टिक आर एस आई नीचे है और ये जो है आर एस आई जो है आर एस आई फोर इसको थर्टी को थर्टी से नीचे आया ठीक है थर्टी को टच कर रहा है यहाँ पे अगर इसको बाय करें यहाँ पे स्कैल्प आपकी बन गई है टू ओवर में आपने टू परसेंट का प्रॉफिट यहाँ भी बना लिया अब दोबारा यहाँ पे देखें स्टोकसिक आर एस आई अब यहाँ पे भी बन रहा था आपका सिग्नल जैसे कि आर एस आई यू है जिसको टच नहीं कर रहा आपने दोनों नीचे होने चाहिए ये दोनों स्टोकेस्टिक का आर एस आई जो वैल्यूज़ हैं आपने ये नहीं ये नहीं देखना ये जो आपके पास रेड नज़र आ रही है लाइन और ये बल्कि ब्लू नज़र आ रही है स्टोकेस्टिक आर एस आई नहीं इसमें आपने वर्क नहीं करना आपने सिर्फ देखना है कि लाइट दोनों के नीचे होनी चाहिए बस ये देखना है आपने इस स्टड्यू से ये देखना है अब ये यह देखें यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल मिला स्टोकेस्टिक का आर एस आई ने बाय का दिया और आर एस आई ने बायर साल दिया ये देखें अच्छा खासा बाय यही चीज़ें हैं ठीक है यहाँ पर आर एस बाय करवा रहा है लेकिन आर के साथ स्टोगेस्टिक आर बाय नहीं करवा रहा तो आपने उसको बाय नहीं करना यहाँ पे स्टोगेस्टिक आर एस आई ने ऊपर जा उसको बाय कराया है आर एस आई नहीं इसको भी आप इग्नोर कर सकते दोनों को एक साथ वर्क करें तब भी आपने उसको बाय करना है यहाँ पर जैसे एक साथ ही वर्क कर रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं अब देखें यहाँ पे भी एक साथ वर्क कर रहे हैं दोनों जो हैं बिलो द लेवल ऑफ यानी कि इसमें ओवरस वोल्ड के लेवल्स पे हैं तो आपने यहाँ पर इसको बाय कर लेना है ये या ये था ठीक है ये वाला था देखें ओवरस वोल्ड के रीजन में है तो इसको इसको बाय कर लें सपोर्ट के लिए तो यही है वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके बैटरी लो हो गई तो अभी यहीं पर वीडियो को रोकने वाला हूँ वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इस तरह की और वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँगा